और आज श्रावस्ती जिले में सड़क सुरक्षा माह का भव्यता के साथ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने शुभारंभ किया है। जन जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूर करें, आम जनमानस को जागरूक भी करें, सभी जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाएं। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सड़क सुरक्षा माह का कलेक्ट्रेट परिसर में भव्यता के साथ शुभारंभ किया एवं जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये अभियान 5 जनवरी से शुरू होकर के 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में विशेष मदद मिलेगी। उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि जीवन को सुरक्षित बनाए रखने हेतु वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। जिलाधिकारी ने यातायात नियमों का पालन किए जाने तथा जन जागरूकता पर विशेष बल देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन बिल्कुल न चलाने दें। मोटरसाइकिल व स्कूटर चलाते समय हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि नशे के हालत में या मोबाइल पर बात करते हुए वाहन बिल्कुल न चलाएँ तथा तेज गति से वाहन न चलाएँ और स्टंट वगैरह बिल्कुल न करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान में जिस विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा का पालन करते हुए उसको सफल बनाएं। आगे उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग के साथ पुलिस, लोक निर्माण विभाग, समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों, नगरीय निकाय एवं ब्लॉक स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति कार्यक्रम आयोजित कर आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुभाष चंद्र यादव, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, उप जिलाधिकारी क्रमशः भिंगा प्रवेंद्र कुमार, इकोना रोहित जमुनहा, सौरभ शुक्ला, उप जिलाधिकारी आर पी चौधरी, जिला विकास अधिकारी राम समुच, परियोजना निदेशक इंद्रपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस पी तिवारी, अस्सी अभियंता लोक निर्माण विभाग एस के हरित, जिला सूचना अधिकारी शिवनाथ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटे लाल आदि लोग मौजूद रहे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रावस्ती जिले में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा माह का भव्यता के साथ शुभारंभ किया गया है। कई विभाग के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और कलेक्ट्रेट में आज भिंगा कलेक्ट्रेट में आज लोगों को शपथ दिलाई गई है। तो इस वक्त आप लोग जानते हैं कि भयंकर ठंडी पड़ रही है और भयंकर कोहरा पड़ रहा है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में ही एक हफ्ते के अंदर में कई दुर्घटनाएं हुई हैं और अब ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आज 5 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति एक जागरूकता फैलाई जाए और सब में ये संदेश दिया जाए कि कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है रोड पर, कैसे हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना है और भी जो यातायात नियम है उन सब का बिल्कुल अक्षरशः पालन होना चाहिए। इसी अभियान के तहत आज हमने यहाँ पर जागरूकता हेतु कुछ प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाई और सभी अधिकारियों द्वारा भी शपथ लिया गया। इस सड़क सुरक्षा माह में बहुत सारे विभाग हैं, सभी का योगदान रहेगा। तिथिवार कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, इसमें शिक्षा विभाग है, PWD है, यातायात विभाग है, सभी अपने अपने कार्यक्रम कराएंगे और इस पूरे अभियान का यही उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और इस पर हम हर महीने एक सड़क सुरक्षा की बैठक भी करते हैं और बैठक में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या जहाँ पर दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं उन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या वहाँ पर डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है या और अगर PWD के विभाग से कोई स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है, तो इन सब बिंदुओं पर हर महीने चर्चा भी होती है और उसका अनुपालन कराया जाता है। थैंक यू।